तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं मुकेश लाल यूट्यूब चैनल। मैं आज आया हूं अपने गांव के एक छोटी सी बगीचे में घूमने के लिए। और यहां मतलब आम जो होता है वो आम मतलब तूता है ऊपर से, उसी हम जा रहे हैं थोड़ा ढूंढने के लिए। थोड़ा देखते हैं कैसा लगता है। बगीचा काफ़ी बड़ा था तो बगीचा कट कट के थोड़ा छोटा हो गया है। देख सकते हैं पूरा बगीचा ही बगीचा है, मतलब जंगल टाइप का पूरा ही है, एकदम पूरा जंगल ही समझ लो इसे। इसमें हम काफ़ी मज़ा आता है घूमने में। और चलिए हम आपको आम के पेड़ की तरफ ले चलते हैं, आप मेरे YouTube वीडियो पे बने रहो। आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ इधर इसको इस तरफ यहाँ बसेड़ बोलते हैं बांस, ये जो काफ़ी काम में आ जाता है, मतलब जीना सीढ़ी जो बनाना चाहते हो बना लो। मतलब इस बगीचे में अगर जो आप चाहो कि मुझे धूप मिल जाए, मतलब इतना अंधेला है, इतना अंधेला बगीचा ही है, देख सकते हैं कितना अंधेला बगीचा है। तो साइड साइड पेड़ नहीं है तो इसलिए मतलब आपको थोड़ा लाइट आ रहा है। अगर जो हम आपको बीच में ले चलेंगे और अंधेला आपको मिलेगा। चलो हम आपको बीच में लेकर चलते हैं। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं पे, वहाँ पे एक तो बोरिंग था, वही मतलब पानी इसमें से बहुत दूर जाता था पानी। अब तो ये चैनल जो है टूट गया है इसलिए पानी नहीं जा पाता है। लाखों किलोमीटर नहीं तो मतलब 1000-2000 किलोमीटर तो आराम से चल जाता होगा पानी इससे। यार कितना बढ़िया सीन आ रहा है, वो हरा भरा देखकर मौसम बहुत अच्छा लगता है। हम अब चलते हैं आपको अंधेले बगीचे में लेकर, क्योंकि काफी अंधेला है वहाँ पे, धूप ऐबे नहीं करता, कभी नहीं आता है धूप, वहाँ हम आपको ले चलते हैं। चलिए देखिए हम आ गए हैं इस अंधेले बगीचे में। काफी डरावना ही बगीचा है एकदम पूरा। यार शाम को तो आ ही नहीं सकते बगीचा, क्योंकि इतना अंधेला लगेगा शाम को, आप कह नहीं सकते हैं। हम लोग खुद नहीं आते हैं शाम को इस बगीचे में घूमने के लिए। दिन हुआ, सुबह हुआ, मॉर्निंग टाइम हुआ, ये सब टाइम आ सकते हो, लेकिन अंधेरा में नहीं आ पाओगे। देख लो कितना अंधेरा लगता है बगीचा है, लग रहा है अमेजन का जंगल है। चलिए हम चलते हैं आम के पेड़ की तरफ। इसी बगीचे में हम एक तो मतलब साधु बाबा का जो शूटिंग था, इसी बगीचे में हम साधु बाबा का शूटिंग किए हैं। वो वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको देख आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीन हुआ है इस बगीचे में। इस बगीचा में ज़्यादातर बसेड़ जो होता है ना, बसेड़ ही ज़्यादा जनसंख्या में बसेड़ है और शीशम, बस दो चीज़ ज़्यादा इसमें। और ऐसा ऐसा बगीचा तो मेरे गांव में बहुत सा बगीचा है, और बहुत बड़ी बगीचा है। मैं उसको भी इस बगीचे जाकर वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। छोटा मोटा बगीचा है ना, छोटा मोटा बगीचा ही है। इस बगीचे में देखिए मतलब ट्रैक्टर चल के इसको जुताई किया है, इसमें चिनी बादाम लगेगा, बादाम जो होता है ना चिनी बादाम, वही चिनी बादाम लगेगा इसमें। बगीचे के हम बाहर आ गए और यही आम का पेड़ है, शायद आम टूट गया है, उतना आपको दिखता होगा नहीं, छोटा छोटा आम आया है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट है। हम यही आम को आए थे देखने के लिए और हम ये आम देख लिए हैं। अब देखते हैं काया मिलता है या नहीं मिलता है। मिला आम, एक आम पक्कल की कच्चा पका हुआ है, एक आम मिल गया है। और देख सकते हैं कि मेरे तरफ धान रुपाई होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए एक आम मुझे भी मिला, लेकिन ये आम जो है खाया हुआ है, यानी कि चिड़िया जो होता है वो खाकर ही गिराता है आम। चलो कोई बात नहीं, मेरे तरफ इतना एक प्लॉट होता है खेत का। देखिए यार इसमें धान रुपाएगा, कादो हो गया और इसमें धान रुपाएगा जाएगा। अरे स्कूल का ग्राउंड जो देख रहे हैं, स्कूल का ग्राउंड है, हाई स्कूल मालदा हाई स्कूल के सटले एक ठो मतलब फील्ड मिला है, और ये सरकारी फील्ड है, इसको लीज पे लिया गया है इस खेत को। और स्कूल का जो ग्राउंड है वो मतलब मेरे स्कूल की तरफ ही दिया गया है उसके बदले। इसमें पहले केला मतलब पहले सबसे पहले इसमें गन्ना रोपे थे, हम ही रोपे थे इसमें गन्ना, इसी खेत प्लॉट में हम गन्ना रोपे थे।
और उसके बाद दूसरा कोई लीज पे लिया तो इसमें मतलब केला केला रोपा, फिर उसके बाद धान इसमें लगाया जाएगा। इसमें पहले केला था, यहाँ से अब जितना देखने जितना जहाँ तक पानी है वो सब यहीं पर जमा है। छिलके पे यहाँ से मतलब शटर लगा कर बांध बांध कर खेतों में पानी ले जाते हैं इसी रास्ते से। देखिए पानी थोड़ा कम आया है इसमें, अभी तो मौसम आना ही बाकी है, तो पानी मतलब पहले आ गया है। देखिए मुझे एक आम मिला है, उसी पेड़ की तरफ से एक आम मुझे मिल गया। चलो एक आम तो मिल गया यार। तो दोस्त इस वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें। चलो धन्यवाद, भाई का बात मान लेना थोड़ा।